आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीहोर के जंगली आहाते में लाल पत्थरों का अल सेंट्स चर्च भले ही बाहर से एक पुराने चर्च की तरह दिखता हो, मगर वास्तव में यह चर्च न केवल ऐतिहासिक धरोहर है अपितु यह मध्य भारत का पहला चर्च है। इस खूबसूरत चर्च के निर्माण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर जहां ईसाई समुदाय हर्षोल्लास में डूबकर खुशियां मनाता है, वहीं सीहोर में बना ऑल सेंट चर्च भोपाल रियासत का ऐसा पहला चर्च है जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से संपन्न और गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। मध्य भारत के इस पहले खूबसूरत चर्च के निर्माण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अंग्रेजी हुक्मरानों के दौर में सीहोर में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए कर्नल जे बिलिगवाय ऑसवान ने तत्कालीन मद्रास रेजिमेंट में रहे उनके छोटे भाई की याद में वर्ष 1867 में इसका निर्माण किया। कर्नल जे डब्ल्यू ऑसवान इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के रहने वाले थे तथा स्कॉटलैंड में टेम्स नदी के किनारे ऐसा ही खूबसूरत चर्च मौजूद था। सीहोर का चर्च हूबहू उसकी प्रतिकृति है। ये मेरे लिए और पूरे मसीह समाज के लिए जो सीहोर में रहते हैं और विशेष करके जो इस चर्च के मेंबर्स हैं, हम सब के लिए एक प्राउड का मोमेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल क्रिस्ट जयंती है और हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं ताकि इस पर्व को हर्ष और आनंद के साथ मना सके। सो कल का इंतज़ार है और हम परमेश्वर का धन्यवाद भी देते हैं कि उसने हमें यह अवसर प्रदान किया है। काफ़ी अरसा पुराना चर्च है ये, 1867-68 के आसपास की बात है। मेरे को तो इतना दिमाग में नहीं है, बट ये एक बड़ी कीमती इमारत है। ये हमारे देश की एक ऐसी धरोहर है जिसके लिए देश और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और कहने का मतलब मेरा ये है कि इस बिल्डिंग के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं या हम हमारी गवर्नमेंट से निवेदन कर सकते हैं, तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इस बिल्डिंग के लिए थोड़ी हेल्प करें, इसको आके देखें और देख के इसका जीर्णोद्धार के लिए कदम आगे बढ़ाएँ, क्योंकि अपने देश की एक बड़ी कीमती धरोहर है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, वो सब अपनी इच्छा अपनी ख्वाहिश परमेश्वर के सामने रखते हैं और वो यहाँ से अपनी मनोकामना को पूरी करके जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज सीहोर के चर्च ग्राउंड पर खूबसूरत लाल पत्थरों से बना ऑल सेंट चर्च को देखने वर्ष भर में देश विदेश से कई सैलानी आते हैं, लेकिन स्थानीय मसीह समाज के लोगों का मानना है कि यह ऐतिहासिक धरोहर रख रखाव के अभाव में जगह जगह से जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। अगर जल्दी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ऐतिहासिक धरोहर इतिहास के पन्नों तक ही सिमट के रह जाएगी। अरुण राठौर, दखल न्यूज, सीहोर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।